खबर छतरपुर जिले के नौगांव से है, जहां जमीन विवाद के चलते चाचा ने भतीजे को जिंदा जला दिया। दर्दनाक हादसे में युवक 80% से ज्यादा जल गया। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को घायल अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां घटना के बाद घायल के परिजनों ने नेशनल हाईवे से गुजर रहे वाहनों के नीचे आकर जान देने की कोशिश की। फिलहाल SDOP कमल कुमार जैन प्रहरी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ऑफिस पर। क्या घटना घट गई है सर? आदमी से लड़ाई चली, हमारे छोटे भाई वाले मेरे छोटे लड़के को आग लगा दी साहब। मेरी सास साथ लिए, मतलब मेरी माँ भी है उनके साथ। किस बात पर लड़ाई हुई? सारे मैं जमीन के बात पे लेके लड़ाई हुई, इनने आग लगा दी। कब से चल रही है? आगे चल रहा, आगे आदमी से चल रही है साहब। तो इसकी सूचना कहीं प्रशासन पुलिस को? आठ भाई रिपोर्ट कर चुके, मार्जिन से बराबर रिपोर्ट करने आ रहे, लेकिन नवाबी पुलिस हमारी बिल्कुल नहीं सुन रही है। क्या बोलते हैं पुलिस को? थाने में कुछ नहीं है भाई यार, NCR लिख के दे देते हो, कैसे जाओ घर सब हो जाएगा। क्या नाम है भाई का? क्या नाम है भाई का साहब? एक का मधु नाम, एक का राजू नाम, एक का नरेंद्र नाम, एक का प्रकाश नाम है साहब। आग किसने लगाई है? आग सब पाँचों ने मिलकर लगाई है आग। और जिसको जो घायल हुए वो कौन है? मेरा लड़का है। क्या नाम? क्या उसका नाम? लगा पुलिस कुमार नागी। अभी हमें एक थाने से सूचना मिली कि एक व्यक्ति है जिसको जली हुई अवस्था में नौगांव के हॉस्पिटल में लाया गया है। तो हम आए, हमने देखा वो जला हुआ है, उसने अपने बयान दे दिए हैं और अब बाकी जो उसका ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर्स द्वारा किया जा रहा है। तो कितने लोगों पर उसमें आरोप लगाया है? वो हमने मर्डर संगठन में रिकॉर्ड कर लिया, उनके नाम, उनके पारिवारिक लोग ही हैं जो चाचा वगैरह कुछ हैं उनके नाम। हालत कैसी है सर? अब वो डॉक्टर्स बता पाएंगे, लेकिन हालत वो जला हुआ है, काफी पर्याप्त जला हुआ है।